नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव डक्कल में आए हैं और यहां पर जो वाल्मीकि बस्ती है, यहां पर गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो महिलाएं हैं वो खड़ी हैं, इस बात को लेकर खड़ी है कि यहां पर जो पीने योग्य पानी नहीं है, सीवरेज का पानी आ रहा है इनकी टूंटियों में। पूरी बात पूछेंगे कि किस प्रकार कद से है ये समस्या, इनकी बात कर लेते हैं। ताई राम राम। राम राम बेटा। कत्ता है समस्या जो पानी गंदा हो रहा है? हाँ जी, खासे दंते है, 2 साल हो गए जी। अच्छा, जब गंदा पानी चल रहा है, अच्छा अंदा ही नहीं। मैं तो दिखाओगे गंदा पानी किसा है वो? हाँ जी, इधर वो पानी दिखाएंगे जो ये पानी हर रोज टुंटियों में भरते हैं, टुंटियों से भरते हैं, किस प्रकार का पानी है। और आप सभी इस बात का चयन कीजिए क्या ये पानी पीने योग्य है, जो ये पानी दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी कितना गंदा पानी है। और इस पानी को पीने के लिए इनके पास भेजा जाता है। अब ये प्रशासन देखे या फिर सिंचाई विभाग है जो सिंचाई का वो देखे, ये तो उसकी समस्या है, लेकिन जो समस्या इनके लिए बनी हुई है इसका समाधान कौन करेगा? सरपंच है ये जो हमारे भाई, ये क्या कहते हैं सरपंच के बारे में, क्या उनसे शिकायत दी? फिलहाल हमने जो पानी दिखाया है बहुत ही गंदा पानी है, बदबू आ रही है इसमें, तो आप देख सकते हैं नाली के अंदर जो पानी चलता है उससे भी ज़्यादा बदबू है। और ये आता है इनकी टूंटियों में, पीने के लिए पानी आता है और वो पानी आता है गंदा बदबूदार। लेकिन इससे क्या होता है कि जो बस्ती वाले लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बीमार भी फैलने का डर है। तो ताई से और भी बात करते हैं। ताई, जैसे पानी की समस्या है इसके बारे में आपने सरपंच हो या जो सिंचाई सबने कह लिया जी, मैं कोई सुना ही नहीं करता जी, मारी कोई सुना ही नहीं कर रहा। क्या कहे इसके बारे में? बस आंदा ही नहीं, देखता ही नहीं आके। अच्छा, हाँ बढ़ता ही नहीं आके, कहते मैं क्या करूँ। जैसे ये डक्कल गांव है, बहुत बड़ा है। हाँ जी, ये अपनी वाल्मीकि बस्ती में समस्या है या कहीं और भी समस्या है? ना जी, मारा मारा है बस। सरपंच के पास गए, क्या बोले भाई ये पानी दिखाया आपने? सरपंच मारा कुछ नहीं देखना, ना ना नरेगा की दाड़ी को नहीं दे रहा सरपंच, ये पानी खड़ा देगा। अच्छा जी, मेरा उसकी कोई बात नहीं, बस हाँ मेरे से कोई मतलब नहीं। सिंचाई विभाग है जो दफ्तर, वहाँ करे आपने? नहीं जी, और पानी लेके गए थे हम, कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? क्या कहो, जवाब क्या दे? ओ जी न्यू कहो, अभी आवेंगे आवेंगे बस यारा। कितने दिन से कह रहे हैं ये? तो जी बहुत दिन हो गए, 2-3 साल हो गए। अच्छा, कुछ मजदूरी भी दे रहे हैं, बीमारी की भी कोई दिक्कत हो? जैसे बीमार भी पड़ते हैं? बीमार भी जी बहुत से बीमार पड़े हैं, सारे बीमार है वहीं पानी पी पी का। और क्या होगा इन तक बीमार होगी, सब गंदा पानी पी हुए हैं। अच्छा, कितने का अपने वाल्मीकि? सारे का तो खुशी लग रही है। कितने घर है जी यहाँ? सभी में समस्या है, सभी में यही समस्या है। और जैसे ये सुबेरे सुबेरे आवे, सामने भी आवे, सामने तीसरा दिन पानी आवे, तीसरा दिन पानी देवे, वो भी गंदा पानी देवे, रोज आवे है, वो भी जमा खराब पानी आवे, बीमारी लाग रिक्शा, खुरकची लाग रिक्शा का, बुखार चढ़ गया का, दस्त लाग गए, न्यू रोवे है। इब रोजे फिर जाओ डॉक्टर का ठाई। अच्छा, फिर जैसे आप पानी हो वो कहाँ से लेके आते? फिर आप देख सकते हैं गांव की महिलाएं हैं, साफ तौर पर कहना है इनका कि जो समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। और जो सरपंच है गांव के को भी कई बार इसके बारे में सूचना दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो गंदा पानी है लगातार आ रहा है, और ये कह रहे हैं जो पानी यहाँ जो गंदा आ रहा है उसकी वजह ये साफ पानी दूर से लेके आते हैं, बोर का पानी पीना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ये समस्या है, इसका समाधान कौन करेगा? जो भाई इस वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। वाल्मीकि बस्ती है, गांव ढक्कल है ये, इसमें ये समस्या बनी हुई है, गंदा पानी है बिल्कुल, आपने देखा कि किस प्रकार का पानी है, जो बीमारियां फैल सकती हैं और भी कोई रोग है वो भी फैल सकते हैं। लेकिन क्या गरीब आदमियों के लिए यही पानी बना है? कौन इसकी तरफ ध्यान देगा? तो ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी भाई इस वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इनकी समस्या है कोई प्रशासन या सरकार का कोई भी व्यक्ति इसको देखे तो इनकी समस्या है वो जल्दी से जल्दी निपटने का कोशिश करें। फिलहाल यहाँ से विदा लेते हैं, गांव डक्कल में आए थे और यहाँ पर जो पानी की समस्या बनी हुई थी इन्होंने बताया भी, यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये समस्या है इसकी, और किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा। तो देखते रहिए एनजी न्यूज हरियाणा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।